हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक कैप बना के दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नोड लगा लेंगे। ये मैंने पिंक कलर की ऊन ली है और इसमें हम चेन बना लेंगे। हम इसमें 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। हम 4 चेन बना लेंगे और इसके बाद इनको आपस में ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 4 में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है। तो 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ इसको बंद कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है वहीं पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें हर एक जो ये डबल क्रोशिया बनाए थे इस हर यहाँ हमें अब 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम इस पूरी रो में। हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये मैंने पूरी रो में डबल क्रोशिया बना लिया और मैंने 3.5 mm का क्रोशिया ले लिया है। आप चाहे तो इसमें 3 mm का क्रोशिया भी रख सकते हैं। मेरे को थोड़ी ऊन मोटी लग रही थी तो मैंने इसमें 3.5 mm का क्रोशिया ले लिया है। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जहाँ जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं एक साथ, देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बने हुए हैं, इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया ही एक साथ डालने हैं। जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ है अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें और एक डबल क्रोशिया। फिर जो नेक्स्ट जो रो आएगी उसमें हमने, जैसे ये हमने बीच में एक बनाया है क्रोशिया, उसमें 2 क्रोशिया बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया। अभी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
दो चेन बनाएंगे। और यहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस जो हमने दो चेन बनाई है यहीं पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जहाँ पे दो डबल क्रोशिया बने हुए हैं यहाँ फिर से दो डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। अब वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन वन और टू ऐसे ही बनाएंगे, वन वन टू ये बना लिया हमने। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने फोर रो बना ली है। नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही बनानी है जैसे हमने फोर्थ रो बनाई है, वन 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 डबल क्रोशिया और टू डबल क्रोशिया, वन वन डबल क्रोशिया और टू डबल क्रोशिया ऐसे बनानी है। यहीं पर फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 75 डबल क्रोशिया होने चाहिए, जो हमारे लास्ट वाली रो है यहाँ पे हमें 75 डबल क्रोशिया चाहिए। तो हमने ऐसे ये देखिए ये वन वन डबल क्रोशिया बना लिए हैं, फिर दो डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ऐसे बनाना है ये देखिए। वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, अब टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसा करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। जब ये रो कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 75 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस रो में हमारे पास 75 डबल क्रोशिया होने चाहिए। ये हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम चेन बनाएंगे। स्किप करेंगे, एक चेन हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सॉरी यहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। हम ये डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने फ्रॉक में बनाया था, उसकी मैचिंग हम कैप बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाएंगे। इन्हें डबल क्रोशिया बना लिए हैं, तीन चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट में फिर से ये पैटर्न बनाएंगे। हम ऐसे तीन चेन स्किप कर करके ये पैटर्न बनाना है। ये पैटर्न हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 17 पैटर्न है। इसके बाद एक चेन स्किप करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, और बीच में हमारे ये फंदे बच चुके हैं। इस पैटर्न को अब रिपीट करना है। इसमें हमने ऐसे पैटर्न की टोटल 8 रो बनानी है, एक हमने बना ली है, 7 और बना लेंगे।
ये इसे इसको टर्न कर लेना है और ये पैटर्न वापस से बना लेंगे। ये हमने 8 रो बना ली हैं। ये बनाने के बाद हम एक रो ऐसे ही डबल क्रोशे से बनानी है, 3 चेन बना लेंगे। यहाँ हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, पूरी रो में हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। ये रो हमने डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको भी ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अब हम ये जो फ्रंट पे बॉर्डर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, उसी चेन में फिर से डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको 2 चेन स्किप करेंगे। थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यस, इस पैटर्न को ऐसे कंप्लीट करना है, ऐसे बनाते हुए एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये पैटर्न हम सभी जगह फील कर लेंगे, ऐसे ही बना लेंगे सब जगह। इसको बना बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सभी जगह बना रखा है यहाँ पे। ये पैटर्न मैंने सभी जगह कंप्लीट कर लिया। तो ये फ्लावर मैंने आपको बना के पहले दिखा रखा है, इसकी अलग से वीडियो है, और ये डोरी भी मैंने आपको फ्रॉक वाली वीडियो में बना के दिखाई है। ये हमारी कैप तैयार हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने एक और कैप बनाई है, पर मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है। मैं नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ तो मैं बनाऊँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।